बेहद भव्य और त्रिभुजाकार अवस्था में बना नया संसद भवन रविवार को 135 भारतीयों के लिए समर्पित किया जाएगा। नए संसद भवन में कई विशेषताओं के साथ उत्कृष्ट कलाकृतियों का समागम है। 971 करोड़ की लागत से निर्मित नया परिसर भारत की प्रगति का प्रतीक है और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। नई संसद भवन को पुराने भवन के बजाय त्रिभुजाकार में बनाया गया है। ऐसा क्यों है? दरअसल इस आकार का वैदिक संस्कृति और तंत्र शास्त्र से गहरा नाता है। आइए समझते हैं। आज देश के 135 भारतीयों को लोकतंत्र का मंदिर मिलने वाला है। पुरानी संसद भवन के बजाय लोकतंत्र के सभी फैसले नए और भव्य संसद भवन में किए जाएंगे। नई संसद परिसर में पहले के बजाय काफी ज्यादा सुविधाएं और हाईटेक व्यवस्था है। यहाँ पहले से कहीं ज्यादा बड़े विधायी कक्ष होंगे। लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकृति में बनी नई 888 सीटों की व्यवस्था की गई है, जबकि राज्यसभा में 348 सीटों को राष्ट्रीय फूल कमल की आकृति दी गई है। संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों वाला एक वृहद हॉल बनाया गया है। भवन का आकार तिकोना क्यों? संसद भवन की वास्तुकला निर्मित करने वाले विमल पटेल ने पीटीआई को बताया, नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार में डिजाइन किया गया है। पिछला संसद भवन गोलाकार था। नई संसद भवन के तिकोणीय आकार का संबंध वैदिक संस्कृति और तंत्र शास्त्र है। सबसे पहली बात यह है कि त्रिकोणीय भूखंड पर स्थित और इसके तीन प्रमुख हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक सेंट्रल लाउंज। उसके अलावा त्रिकोण आकार देश के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में पवित्र ज्यामिति का प्रतीक है। वास्तुकार विमल पटेल ने पीटीआई को आगे बताया कि इसका धार्मिक महत्व भी है। इस तिकोने आकार में सभी तरह के धार्मिक समायोजन हैं। हमारे कई पवित्र धर्मों में त्रिभुज आकार का महत्व है। श्रीयंत्र श्री त्रिभुजाकार है। तीन देवता या त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी त्रिभुज का प्रतीक है। इसलिए त्रिभुज आकार का नई संसद भवन बेहद पवित्र और शुभ है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।